नमस्कार, सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना ओवन के पिज्जा। तो आइए चलिए बनाते हैं बिना ओवन का पिज्जा। पिज्जा का बेस बनाने के लिए डोज तैयार करेंगे। उसके लिए है 2 कप मैदा, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, चम्मच से भी कम खाने वाला सोडा और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और 3 स्पून दही। तो आइए हम डोज को तैयार करते हैं। एक बाउल लेंगे, 1 कप आटा डालेंगे, जो 250 ग्राम आटा है, डालेंगे दही, 1 चम्मच जो नमक है, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी है, 1/2 चम्मच से भी कम खाने वाला सोडा, 1/2 चम्मच एक बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे इसमें तेल रिफाइंड, आप घी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। देखिए, अच्छे से पहले मिलाइए इसको। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिलाएंगे। पानी थोड़ा ही थोड़ा डालेंगे। थोड़ा सा लगा के रख देंगे इससे बराबर सॉफ्ट हो जाए। और देखिए पिज्जा का बेस बनाने के लिए मैदे का डो कितना अच्छा, इतना ही होना चाहिए जितना होना है ये। अब इसको हम ढक के रेस्ट करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट रख देंगे, ताकि अच्छे से ये पानी जो है इसमें एडजस्ट हो जाए। तो देखिए हमारा आटा कितना अच्छे से तैयार है बनके। अब हम इसको परफेक्ट जितना फूलना चाहिए वो फूल गया है आटा। अब हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे, जितने बड़े हिसाब से हम इसको लेंगे। अब आटे की सहायता से हम इसको तैयार करेंगे। पिज्जे के लिए जितना बेस चाहिए इसका, उसके हिसाब से हम इसको प्रॉपर एक सार बेलेंगे। कहीं से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, घुमा घुमा के आप गोल बेल सकते हैं इसको। रखा है इसको ताकि ये फूलने के बाद डबल हो जाएगा। अब इसको हम फैन में डाल लेंगे और एक तरफ से सेकेंगे। अब ये हमने कढ़ाई बिना ओवन के बना रहे हैं, तो हमने एक तवा रखा है, उसके ऊपर पैन रखा है और उसके अंदर डाला है। अब हम इसको फॉर्क की मदद से इसमें छेद कर देंगे और एक तरफ सिकता रहेगा ये। हम फ्लेम पे ही सेकना है, मीडियम से थोड़ा कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो पिज्ज़ा जलने का डर रहेगा और सब्जियां पकेंगी नहीं आपकी। अब देखिए हम इसको नीचे से देखते हैं कैसा हो रहा है। थोड़ा सा और सेकेंगे। अब देखिए हमारा इधर से हो गया है उतारने लायक इसको। अब हम इसको नीचे की मदद से हमने फॉक किया था इस पर, इसको हम ऐसे पलट देंगे। इसके ऊपर हम पिज्जा के ऊपर डो लगाने वाली सामग्री है,
पिज़्ज़ा सॉस, पनीर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, चिली फ्लेक्स, इटालियन सीजनिंग। चलिए बनाते हैं हम अब पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब हम इसको चीज़ी बनाएंगे, इसलिए पहले थोड़ा सा डालेंगे चारों तरफ से। इसके बाद सब्जियां लगाएंगे, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी, इसमें गाजर वगैरह भी लगा सकते हैं। अभी सब्जी हमने सारी ली थी, वो सबने हमने इस पर डेकोरेट कर दिए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। अब क्योंकि हमें चीज़ ही बनाना है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और चीज़ डालेंगे। ऊपर से डालेंगे हल्का सा मिर्च पाउडर। आपके पास चिली फ्लेक्स है तो वो भी डाल सकते हैं, पर अभी मैं नहीं डालूंगी चिली फ्लेक्स, बाद में डालूंगी। हल्का सा नमक, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, स्वाद के अनुसार। देखिए हम इसको आराम से उठाएंगे, पैन में फिर से सेकेंगे। अब उसको ऐसे रख देंगे, इस पर मीडियम फ्लेम पे गैस है। अब आप इसको हल्का सा ढक दीजिए, जो ये अच्छे से पक जाएगा। इसके कम से कम 5-10 मिनट सेकिए मीडियम फ्लेम पे। मीडियम से थोड़ा कम ही हो, ज़्यादा ना हो, ताकि सब्जियाँ पकने में टाइम लगता है तो थोड़ा सिक जाए अच्छे से, फिर उसके बाद हम खोल के देखेंगे इसको। देखिए ये कितना अच्छा सिक के तैयार हो गया है, और हमारा पिज़्ज़ा भी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम चीज़ी पिज़्ज़ा है। तो देखिए आपका कितना अच्छा बेस बनके तैयार हो गया है पिज़्ज़ा का। अब पिज़्ज़ा कंप्लीट हो गया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे सीजनिंग से। तो देखिए अब हमने इसको काटा भी है, देखिए कितना अच्छा है, तैयार हो गया पिज़्ज़ा। आप घर पे ही अच्छा सा पिज़्ज़ा बना के खा सकते हैं, तो खाइए और एंजॉय करिए, और बच्चों को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। हमारा पिज़्ज़ा बनके कंप्लीट हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। आप खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, और गेस्ट आए तो उनको भी बना के खिलाइए, और देखिए कितना अच्छा बना। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और शेयर करना। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।